वेलकम बैक टू चट्ठा मीठा। आज हम बनाएंगे अरबी के पत्ते का पात्रा। तो चलिए बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है अरबी के पत्ते, ये हमने अपने किचन गार्डन में तैयार किया है। ये हमारे गमले का है, तो हर साइज़ का है, दो पौधा है हमारे पास, तो इसी का मैं बना रही हूँ। एकदम फ्रेश है, तो पहले इसकी डंडी निकाल देना है। ये डंडी भी यूज़ होगी, चटनी बनाएंगे इसका हम। चलिए अब यहाँ पे हमने एक कटोरी बेसन ले लिया है। हमारे पास 8 पत्ते हैं, छोटे बड़े सब मिला के, तो एक कटोरी बेसन है। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, और ये अमचूर पाउडर है, और ये ऑयल 1 टीस्पून। अमचूर पाउडर जो है होममेड है, और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी देके इसका बैटर बनाना है। इसका बैटर जो है ज़्यादा रनी नहीं होगा, थिक भी नहीं होगा, बस ऐसा कि लग जाए आसानी से। देखिए ऐसा होना चाहिए, बैटर 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ भी सकते हैं। और देखिए अभी ये रेडी हो गया है, और चाहे तो बस फटाफट ही बना लें। यहाँ पे देखिए हमने ग्रीस कर लिया है, जिसमें हमको बनाना है पात्रा, स्टीमर है ये। अब यहाँ पे पत्ते को उलट के इसमें अच्छी तरह से कवर करना है, बेसन का जो हमने बनाया है बैटर। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ये तो करने में। तो इसको बस एक एक लेयर पत्ते का चढ़ाते जाना है। इसको आप चाहे तो अपोजिट साइड भी कर सकते हैं, मगर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है बनाने में। और चाहिए तो एक सीधा एक उल्टा करके पत्ते रख सकते हैं। तो इस तरह से करके एक एक करके मैं इस पर 4 पत्ते डालूँगी। हमारे पास हर साइज़ का पत्ता है, क्योंकि हमारे किचन गार्डन का है, तो एक साइज़ का नहीं है भाई, दो ही पौधे हैं। तो चलिए इसको ऐसे करके बस फोल्ड कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है बनाने में, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। एक बार खा के देखिए, स्नैक्स की तरह खाइए। इसका सब्ज़ी भी बनता है, मगर मैं तो इसको ऐसे ही बस बनाऊँगी, स्टीम करूँगी और हल्का सा बेक करेंगे और चटनी के साथ खाएंगे। देखिए दूसरा पत्ता फिर रेडी हो कर लिया हमने। एक एक करके सब लेयर चढ़ा देना, इसी तरह से बनता है। और चाहिए तो इस पत्ते को एक का जो किनारा है उस साइड, एक का उस साइड करके चौकोर टाइप का हो जाता है। तो ऐसे बना के बस मेन है ऐसे फोल्ड कर लेना है, और इसको रख लीजिए डिश पे। और ये दूसरी डिश में जो है इस पर मैं डाल दूँगी डंडी, क्योंकि तो इसको ही बॉयल करना है। बहुत ही टेस्टी इसका चटनी बनेगा, जो इस पात्रे के साथ खाने में आएगा। और मेन है हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे लंग के लिए बहुत ही अच्छा, कहते हैं कि एकदम क्लीन कर देता है, तो खाना चाहिए। तो चलिए ये अब ये हमारा स्टीम हो रहा है। पाँच से दस मिनट में ये देखिए अच्छे से स्टीम हो जाएगा। देख लीजिए पूरा देखिए गल के एकदम हलवे जैसा हो गया। अब ये देखिए हमारा एकदम स्टीम हो गया है अच्छे से। इसको निकाल लेना है डिश से। और सबसे पहले चटनी मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमें ले लिया है 3 मिर्ची ले लिया है, और 5 से 6 लहसुन, और ये देखिए आम है। आम की जगह आप कोई भी खट्टा डाल सकते हैं, इमली डाल सकते हैं, आमचूर डाल सकते हैं। तो अभी तो आम का सीज़न है, तो हमने यहाँ पे आम ले लिया है, आम के टुकड़े, और नमक डाल दिया, और थोड़ी सी पानी डालना, ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून के करीब। और इसको बस थोड़ा ठीक सा चटनी जैसे बनता है चटनी बना लीजिए, चटनी पीस लीजिए। इसको एक छोटे बाउल में निकाल लीजिए, बहुत टेस्टी चटनी होती है, एक बार बना के आप ट्राई कीजिए। इसमें 1/4 टीस्पून सरसों का तेल, इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा, बहुत ही टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका। देखिए अब हमारा ये ठंडा हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे आराम से। ऑयल ग्रीस किया इसलिए आसानी से एकदम निकल जाएगा। देखिए कितना प्यारा हुआ है। अब इसको मन चाहे आकार में अपना काट लीजिए, गोल गोल, पतला पतला, मोटा मोटा, जैसे कट करना है कट कर लेना है। देखिए कितना प्यारा लगता है ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, और खाने में तो मत पूछिए, इतना टेस्टी लगता है, खा के बस दिल खुश हो जाता है। सारे हमने काट लिए, हमारे पास 2 ही था। ये देखिए कितना, अब इसमें बस 1 टीस्पून ऑयल डालना है, 1 टीस्पून जो है पीली वाली सरसों, या नहीं तो राई डाल दीजिए, हींग डालना है एक चुटकी, और ये लाल मिर्ची, काली मिर्ची मैंने डाल दी एक एक, और करी पत्ता, और यहाँ पे डालना है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल डालते ही ये डाल देंगे, डाल के इसको थोड़ा बस हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई क्या करेंगे, बस बेक टाइप का करना है,
हल्का सा सेक लेंगे बस इसको। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये। तो देखिए मैं हमारा रेडी हो गया पात्रा, और इसे खाइए। इसको चाहिए तो इसको मसाला फ्राई करके इसको ग्रेवी लगा के सब्जी बना सकते हैं। हम तो ऐसे ही चटनी के साथ खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है शाम के स्नैक्स में। तो पात्रा बनाइए। अगर ये आपको अच्छा लगे ये वीडियो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।